वी आर गोइंग फॉर दूधसागर ट्रैक, तो अगर आपको दूधसागर ट्रैक पे जाना है तो मेक श्योर आपके पास नॉर्मली जनरल टिकट ही हो फ्रॉम कोई भी, आप मडगांव से आ रहे हो तो मडगांव से लेके कैसल रॉक तक का, या फिर अगर आप दूधसागर ई साइड से जा रहे हो तो फ्रॉम कर्नाटका या फिर कोल्हापुर साइड से तो कोल्लम तक का टिकट आपके पास होना चाहिए ट्रेन का टिकट। जस्ट हैव ए नॉर्मल जनरल टिकट, क्योंकि अगर आप RPF वालों ने टिकट TC वाले तो पकड़ते ही हैं, अगर उन्होंने आपको पकड़ ली देन यू हैव टू पे लाइक 2000 bucks, और टिकट आपकी हार्डली 50-60 रुपये की आएगी। तो मेक श्योर यू बाय द टिकट्स। तो हमने कल ही टिकट्स वगैरह सब बुक कर लिया था, तो अब यहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे एंड हार्डली लाइक 5 या 10 minutes की जर्नी है, देन दूधसागर उतर के आई विल शो यू द व्यू। तो फिलहाल यहाँ से हम जाएंगे फिलहाल मार्केट में, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे एंड देन वी विल कैच द ट्रेन। सी यू देन। कैसल रॉक स्टेशन एंड यहाँ से विल बी कैचिंग द ट्रेन जो भी आएगी 11:35 के आसपास, फिर हम दूधसागर पे उतरेंगे, देन वहाँ से आएगा 1 घंटे का ही वॉक है ट्रैक पे, देन वहाँ से विल बी रीचिंग द दूधसागर वाटरफॉल। Finally we have reached Dudhsagar. So train Dudhsagar station तो रुकती है थोड़ी देर के लिए, then you can get down and hardly 10 minutes का आपको चलना है पटरी पे to get this beautiful view. Woo!